न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तर में दर दर भटक रहा पीड़ित। डबल स्टोरी के मकान में रहते हैं दो पक्ष पीड़ित संगठन का आरोप। अधिकारियों की साठगांठ से यशपाल टंडन ने बिल्डिंग की छत पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया है, जबकि बिल्डिंग मालिक के हिसाब से अग्रीमेंट की माने तो दोनों पक्षों का छत का इस्तेमाल करने का बराबर का अधिकार है। पीड़ित की शिकायत करने के बाद भी पुलिस और केडीए विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यशपाल टंडन के दबदबे के आगे केडीए और प्रशासन बौना साबित होता नजर आ रहा है। बर्रा थाना क्षेत्र के जनता नगर चौकी का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आईजी 5 डबल स्टोरी, ये मेरी माता जी, मैं जो है हम लोग जो है एचआईजी 5 डबल स्टोरी में रहते हैं। हमारे ऊपर यहाँ डबल स्टोरी अलग अलग बिकी हुई है, तो ऊपर का अलग है, एक यशपाल टंडन है, अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को मकान दिए गए हैं वो अपने अपने सेपरेट अलग अलग दिए गए हैं, जो कि उसकी छत जो है वो सबके इस्तेमाल के लिए है, कॉमन प्लेस है, तो और गली भी कॉमन प्लेस में आती है, जो गली का पैसा भी हमने दिया है साथ में इसमें, तो वो छत जो है इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है और उस पर जो है अपना फ्लैट बना लिया अलग से ऊपर छत के ऊपर, जो कि जो है जिसका कोई नक्शा भी पास नहीं है, ना कोई केडीए से उसकी अनुमति है। अब वो पूरा रास्ता बंद पड़ा है जो इस्तेमाल के लिए हम लोग दोनों को दी गई है, तो ना हमको वहाँ जाने दिया जाता है, ना छत की चाबी मिलती है, और जब कभी जाओ तो लड़ाई झगड़ा होता है, कोई काम हो या कोई बैठना उठना भी होता है कभी कोई काम हो। इसके अलावा हमारे पीछे जो है एक कमरे की जगह का प्रावधान दिया गया है, जो जगह हमारी अपनी है, जिसको हमने परचेज़ किया, जो हमारे नक्शे में भी है, उस पर हम कमरा बना के यूज़ कर सकते हैं। अब वो जो है उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं, उसके लिए जो है केडीए ने ऊपर जाली लगा के दी थी, जिससे ऊपर से नीचे कोई आ ना सके, इन्होंने वो जाली तोड़ दी। उसके बाद हमने वहाँ पर जो है एक दीवार 5-6 फुट की खड़ी कराई, वो भी इन्होंने तोड़ दी, और छत पे आके जो है गाली गलौज करते हैं और कभी भी जो है नीचे आ सकते हैं, मतलब इसका डर बना रहता है कि वहाँ से उतर के नीचे भी आ सकते हैं सीढ़ी लगा के, तो इस वजह से जो है हम लोग को बड़ा डर बना रहता है। तो इस डर की वजह से जो है कभी कभी अब घर में लेडीज़ हैं, कभी अकेली हैं, कोई वारदात हो जाए, फिर इसकी शिकायत आपने केडीए थाने में करी? थाने में भी की हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने से। थाने में यही मांग की थी, और हमारे बाबूजी जो है इसी टेंशन में रहते थे, रोज़ आए दिन झगड़ा करते हैं, और जो है कभी जो है ऊपर जाना हो तो झगड़ा तैयार है, या अभी अब पिछले दिनों ऊपर बनवा रहे हैं बगैर पूछे, और नीचे कूड़ा कबाड़ सब गिर रहा है, सीमेंट वगैरह कहा तो जब झगड़ा करने लगे, फिर सफाई हमने खुद करवाई। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? ये मांग करते हैं, पहली बात तो हमारी जगह जो हमारे यूज़ के लिए दी गई है उसकी चाबी हमें दिलाई जाए। भाई छत की चाबी हम मांगते हैं, चाबी नहीं देते हैं, अपना ताला लगा के रखा, अपना गेट लगा के रखा ऊपर नीचे। और दूसरा जो है जब भी जो है हमें जो है कोई चीज़, जैसे अब कूलर लगाना है, अब ये जगह तो हमने जो है अपने यूज़ के लिए हमको दी गई है, अब कूलर भी हम नहीं लगा सकते, अब छत पे इन्होंने बना लिया कमरा और ऊपर जो है एसी भी लगा दिया, और एसी का पानी हमारे घर में गिरता रहता है। अब बताइए हम उनको मना करें? हमारी मांग ये है कि पहली बात तो छत हमको यूज़ के लिए दी जाए, भाई उसके उस पर यूज़ तो हम कर ही सकते हैं ना बनाने। मुख्य बात यह है कि एक तो ये जाली लगवाएं अपनी, जिससे ऊपर नीचे जाने का रास्ता जो है बंद हो जाए, और दूसरा जो है छत पे जो अवैध निर्माण किया हुआ है उसको हटाएं। जो बैठने उठने के लिए छत दी है केडीए ने, किसी को बेची तो है नहीं, तो उस जगह को हम और वो दोनों समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यशपाल टंडन है, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और अगर कोई बात ऐसी होती है तो लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, फिर किसी को बुला लाएंगे, लोग इकट्ठे कर लेंगे कि जो है हमारी तरफ से बोलें। आपको लगता है कि आपका जान का खतरा है? जान का खतरा तो है ही है, माता जी अकेली होती, कई बार हम लोग हम दुकान पे हैं, अब भैया छोटे हैं नहीं, तो हर समय तो घर में कोई रहता नहीं है, तो माता जी अकेली रहती है? माता जी अकेली है, बाबू जी हमारे जो इसी टेंशन में रहते थे, एक दोनों का टेंशन में हार्ट फेल हो गया।